अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, क्योंकि मैं आज फ्राइडे था, मुझे छुट्टी थी शॉप से, तो मैं जा रहा हूँ सब्ज़ी मंडी, मुझे कुछ सामान चाहिए था। तो आज फिर आपको भी दिखाते हैं कि हमारे जो शहर की सब्ज़ी मंडी है वो किस तरह से है, और वहाँ पे जो सब्ज़ी है वो किस तरह वो लोग सेल करते हैं। एक बात और कहना मैं भूल गया कि मेरी जो बाइक है उसमें ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिए जी, बिल्कुल खाली है, सही, लेकिन ये नहीं चलना, इससे मोटरसाइकिल मेरा नहीं चलेगा। तो अब चलते हैं पेट्रोल के पॉइंट पर, वहाँ से पेट्रोल डलवाएंगे और फिर आगे चलते हैं। देखें जी, मेरी गाड़ी में पेट्रोल बिल्कुल नहीं है, तो फिर आगे चलते हैं और वहाँ से पेट्रोल डलवाते हैं। पेट्रोल ख़त्म होने की वजह से अब इसको ऐसे रोल करके जाएंगे पेट्रोल पंप तक, कि वहीं जाके मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा पेट्रोल जो है गाड़ी का वो ख़त्म हो गया था, मैं अब पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप के पॉइंट पर। तो अब जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनको बुलाएंगे और हमें पेट्रोल डाल के देंगे। साजिद भाई, आ जाओ यार, पेट्रोल डाल दो भाई, 100 रुपये का कर दो। आपने तो कभी 30 रुपये से ज़्यादा डलवाया ही नहीं, क्या करना है इतना पेट्रोल? बस थोड़ा दूर जाना है यार, जब से आपने बाइक ली है ना, पहली मरतबा डलवा रहे हो 100 रुपये का। देख रहे, पेट्रोल ही डाल रहे हैं या कोई और चीज़ डाल रहे हो? पहले बताते ना तो मैं थोड़ा सा ऊपर रखता, बस आपको नज़र भी आता। 100 का इतना ही? हमारा पेट्रोल जो है वो डल गया है, तो अब हम चलते हैं सब्ज़ी मंडी की तरफ, जो सामान लेना है वो जाके पता करें कि हमें मिलता है या नहीं। पेट्रोल डल गया तो अब करेंगे स्विच ऑन। देखेंगे, ये पहले ही स्टार्ट करने पर हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम अब मंडी की तरफ जा रहे हैं, तो ये रोड का व्यू है। एकदम से गाड़ी वेव चल रही है क्योंकि इसके अंदर पेट्रोल डल गया है। ले जी, हम पहुंच गए हैं शहर, सब्ज मंडी का बोर्ड, और ये सामने रास्ता है इनका, यहाँ से इन होते हैं, रोड का भी रास्ता है, यहाँ से लोग होने लगे हैं, मतलब कि अंदर इन होते हैं। तो फिर चलें, देर नहीं करते, अंदर जाके अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको किस तरह है। ये जी, हम गला मंडी में हम दाखिल हो रहे हैं, तो ये सामने सारी मतलब के सब्जियां लोड करने के लिए सारे ये सवारी वगैरह खड़ी हुई हैं। हमने मोटरसाइकिल अपनी पार्क कर ली है, तो आगे चलते हैं फिर अपना वो दिखाते हैं। ये सारा स्टॉल है वाला मंडी का, हर तरह मतलब के सब्जी के स्टॉल लगे हुए हैं, तो हमें जो जो चीज़ चाहिए वो हम वहाँ पे जाते हैं। हर तरह मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के स्टॉल लगे हुए हैं सब्जियों के। मुझे भिंडी चाहिए थी, तो ये सामने पापा जी हमें भिंडी तोड़ के दे रहे हैं, तो ये हमारी भिंडी तोड़ रहे हैं, और ये हमारा
लिफाफा है जिसमें हम लगा रहे हैं। कुछ मुझे कद्दू शिले चाहिए थे तो ये भी हम सब्जी जो थी वो हमें जो चाहिए थी वो ले लिया हमने, तो अब फ्रूट वगैरह देखते हैं जो सा चाहिए होगा वो देंगे। तो ये आप फ्रूट वाली साइड पर ये फ्रूट बिकने के लिए तैयार हैं, सामने ये वो गोभी वगैरह लगा रहे हैं इनकी। तो ये सरदा और गर्मा है ये इनका नाम है, तो मुझे यही चाहिए थे तो मैं ले लिए हैं मैंने। सब्ज़ मंडी से बाहर जाने का ये रास्ता है जी के दोस्तों, मैं घर पहुंच गया हूँ बैक साइड पे। तो मैं जिस काम के लिए गया था वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पे उन्होंने जैसे मैं मस्जिद की साइड पे खड़ा हुआ था तो जो वहाँ का कमेटी है ना बड़ा, वो आ गया था। तो उसने कहा कि बेटा वीडियो नहीं बनानी, कैमरा अलाउ नहीं है हमारे पास। तो मैंने कुछ शॉट लिए हैं, मैं बोला नहीं हूँ, मैंने चोरी चोरी जो शॉट लिए हैं नहीं पता, वो मैं आपको दिखा दूँगा। तो अगर वीडियो लगे अच्छी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। आप सब दोस्तों के सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ही आगे जा पाऊँगा। आप लोग ही हमारी सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।